सो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक जिसमें रह गया है लास्ट इज मेजर्स टू करेक्ट डिफरेंट डेफिशिएंट्स। सबसे पहले तो हमने इसके अंदर डेफिशिएंट्स पढ़े, जब गवर्नमेंट क्या करती है, ज्यादा खर्चा करती है इसके रेवेन्यू से, तो डिफरेंट टाइप्स के डेफिशिएंट्स गवर्नमेंट क्या करती है, परफॉर्म करती है या फिर करती है। कौन कौन से थे? फिस्कल डेफिशिएंट्स थे, रेवेन्यू डेफिशिएंट थे, हमने प्राइमरी डेफिसिट के बारे में भी पढ़ा। अब इन डेफिसिट्स को हमें कंट्रोल करना होता है या इनको कम करना होता है, तो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होंगे? फर्स्ट स्टेप इज जब हम क्या कर सकते हैं, पहला जो एक मेजर है दैट इज मॉनेटरी एक्सपेंशन और डेफिसिट फाइनेंसिंग। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लोन ले सकती है या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग एक टेम्पररी तरीका होता है, गवर्नमेंट अपने लॉसेस को कम करने के लिए लोन ले सकती है, पैसे का अरेंजमेंट कर सकती है, ज्यादा जो नोट्स होते हैं या फिर करेंसी हमारी कंट्री के अंदर डेफिसिट फाइनेंसिंग जो होती है गवर्नमेंट बहुत सारे तरीकों से करती है। कैसे कैसे तरीके होते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग में? जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, विड्रॉ करती है कैश आरबीआई से, ठीक है, सेंट्रल बैंक से, इवन कमर्शियल बैंक से भी क्या कहते हैं लोन लेती है, ट्रेजरी बिल्स इशू कर सकती है, ये सब डेफिसिट फाइनेंसिंग के अंदर करती है। अब देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग का पर्पस क्या होता है? पर्पस ये होता है कि जो लैक ऑफ फंड्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, लॉसेस जो होते हैं, उनको क्या करना, कंट्रोल करना, उनको कम करना, ठीक है। कुछ अनफोर्सिन इवेंट्स आ गए, उन सब चीजों को बेसिकली क्या करके रखना, डेफिसिट फाइनेंसिंग के थ्रू क्या करना, कम करना। अब देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग के बहुत सारे इम्पैक्ट भी होते हैं, बट हमारा अभी जो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मेन इसके अंदर है क्या है, हमारे डिफरेंट डेफिसिट इससे कंट्रोल में रहते हैं। सो ये एक मेजर एक स्टेप होता है जो गवर्नमेंट उठाती है अपने डेफिसिट को कंट्रोल में रखने के लिए, अपने डेफिसिट को कम करने के लिए। गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई से लोन ले लेती है या फिर ट्रेजरी बिल्स इश्यू कर सकती है, मतलब कोई ऐसा तरीका अपनाना जहां से टेम्पररी सोर्स से पैसा आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज द बोरोविंग्स फ्रॉम पब्लिक। पब्लिक से भी बोरोविंग्स कर सकती है, कैसे, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स जैसे शेयर का ये पार्ट मान लो आप, वो इशू कर देती है, पब्लिक खरीदती है, पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाता है, तो उस टाइम तक का जो लॉस था वो टेम्पररी पर्पस के लिए पूरा हो जाता है, हमारे पास टेम्पररी पर्पस के लिए पैसा आ जाता है, हमारे लॉसेस को पूरा करने के लिए, लॉसेस को कम करने के लिए। क्लियर है टॉपिक आपको? दो यस मैम। डिसइन्वेस्टमेंट तीसरा तरीका जो कंट्रोल करने के लिए बताया है, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपनी असेट्स को क्या कर देना, बेच देना। तो गवर्नमेंट के पास जितने भी शेयर्स होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर या फिर किसी को भी क्या कर देती है, सेल कर देती है। सेल करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो डेफिसिट्स को कंट्रोल करके रख सकती है, डेफिसिट्स को क्या कर सकती है, कम कर सकती है, करेक्ट कर सकती है। सो डिसइन्वेस्टमेंट भी एक वे है। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स व्हेन गवर्नमेंट सेल, गवर्नमेंट अपनी असेट्स बेच देती है, किस जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके पास शेयर्स होंगे गवर्नमेंट के पास खरीदे हुए, उन शेयर्स को वे सेल कर देती है प्राइवेट कंपनीज को या फिर पब्लिक को, किसी भी तरीके से। इसको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। इससे जो भी पैसा आता है गवर्नमेंट क्या करती है, डेफिसिट्स को कम करती है, उसको करेक्ट करती है। नेक्स्ट जो मेथड है डेफिसिट्स को करेक्ट करने का, IMI, borrowings from international monetary institutions and other countries. देखो गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, जब गवर्नमेंट को इंडिया के अंदर कोई रास्ता नहीं दिखता है कि अब रास्ता नहीं दिख रहा है कि आरबीआई भी हेल्प नहीं कर पा रही है, डेफिशिएंट्स नहीं कंट्रोल हो पा रहे, तो गवर्नमेंट अप्रोच करती है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो सकता है, वर्ल्ड बैंक जो इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स हो गए, दूसरी कंट्री से एड भी ले सकती है, एड का मतलब होता है हेल्प। तो हम क्या करते हैं, हमारे डेफिशिएंट्स को करेक्ट करने के लिए या फिर उनको कम करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, गवर्नमेंट फोर्थ जो मेजर अपनाती है वो है बोरोविंग्स फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन एंड अदर कंट्रीज। आपको ये फोर्थ पॉइंट तक कोई डाउट, आप डाउट टिल हियर, एनी डाउट टिल हियर? ओके। नेक्स्ट इज द जो नेक्स्ट तरीका है डेफिसिट्स को रिड्यूस करने का, डेफिसिट्स को कंट्रोल करने का या करेक्ट करने का, फिफ्थ पॉइंट इज लोवरिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देती है। देखो जो हमने डेफिसिट का फॉर्मूला पढ़ा था क्या था, जब खर्चा ज्यादा होता है रेवेन्यू से, खर्चा कम होगा ऑटोमेटिकली डेफिसिट जो है वो कम हो जाएंगे, कंट्रोल में रहेंगे। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है आपका मेजर्स टू करेक्ट डिफरेंट डेफिसिट्स का,
इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रेवेन्यू. अब देखो गवर्नमेंट के पास क्या तरीका होता है, या तो खर्चा कम कर दे, अगर खर्चा नहीं कम कर सकती गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट दूसरे तरीके पे जाती है, अपना रेवेन्यू बढ़ा दे. अब गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे बढ़ाएगी, हम जो टैक्सेस गवर्नमेंट को देते हैं उनकी रेट्स बढ़ा था. हेलो. यस मैम. या गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट डेफिसिट्स को कंट्रोल करने के लिए उसने एक एक्सपेंडिचर वाले पार्ट को अपनाया, तो उसमें वहां उसको लो कर देती है एक्सपेंडिचर को. बी पार्ट में क्या करती है, दूसरा तरीका गवर्नमेंट सोचती है कि अगर एक्सपेंडिचर नहीं वो कम कर पा रही है तो गवर्नमेंट को क्या करना है, वो अपना रेवेन्यू बढ़ा देती है. अब देखो रेवेन्यू कैसे बढ़ाती है, अब देखो गवर्नमेंट के पास जो भी रेवेन्यू आते हैं वो हमसे ही तो आते हैं, हम उन्हें टैक्स देते हैं, फीस, पेनल्टीज, फाइंस, फीस, ये सब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू के फॉर्म में पैसा आ रहा है टैक्स के फॉर्म में. तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स की रेट्स बढ़ा सकती है, जीएसटी की रेट्स बढ़ा सकती है, इनकम टैक्स के स्लैब्स की रेट बढ़ा सकती है, ताकि उनको रेवेन्यू ज्यादा आए. रेवेन्यू ज्यादा आएगा तो डेफिसिट अपने आप कंट्रोल और कम रहेंगे. क्लियर है आपको यहाँ तक टॉपिक सारे? यस मैम. किसी पॉइंट में आज का जो पढ़ाया टॉपिक डाउट, जो हमने अभी अप टू 6 मेजर्स पढ़े हैं, एनी डाउट टू एनी पॉइंट? अब देख लो एक बार, पॉइंट्स रीड कर लो. ओके चलो फिर हम हमारा देखो चैप्टर ये वाला ओवर हो गया है. ठीक है, चैप्टर में किसी भी पॉइंट में कोई डाउट आपको, टाइप्स ऑफ रिसिप्ट हो गया, गवर्नमेंट बजट, पर्पस, टाइप्स ऑफ डेफिसिट. ओके चलो हम क्विज स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की. अब मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन. नवनीत आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम. ओके सो आई विल स्टार्ट द क्विज. अब आंसर तो आप ही दोगे मुझे क्विज के, अगर आपको डाउट आता है तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी. जस्ट वेट अ सेकंड. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन. ऑप्शन ए इज कॉर्पोरेशंस ओनली, ऑप्शन बी इज नन ऑफ दीज, ऑप्शन सी इज इंडिविजुअल्स ओनली एंड ऑप्शन डी इज इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेशंस. आपको मैं इसका मतलब समझा देती हूँ. क्वेश्चन ये कह रहा है कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स होता है जिसपे इम्पोज किया जाता है. पहला ऑप्शन सिर्फ कंपनीज, सेकेंड ऑप्शन कोई भी नहीं, थर्ड ऑप्शन इज सिर्फ एक अकेला पर्सन इंडिविजुअल एंड लास्ट ऑप्शन इज एक इंडिविजुअल एज वेल एज कंपनी भी. आंसर मैम ऑप्शन डी. या इट इज करेक्ट. गुड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स इज ऑप्शन ए इज एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑप्शन बी इज सेल्स टैक्स, ऑप्शन सी इज VAT वेट एंड ऑप्शन डी इज इनकम टैक्स. मैंने आंसर इसमें मेंशन किया हुआ है. अच्छा क्या होगा इसका आंसर? मैम डी होगा, इनकम टैक्स. या इनकम टैक्स इज अ करेक्ट आंसर. इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज इनकम टैक्स वो होता है जो हम. अच्छा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है आपको कुछ पता हो? आपने आंसर दिया है कि डी इसका है तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है. मैम जो मतलब पहले से जिसमें टैक्स लग के आया हो. ना ना देखो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो हम शिफ्ट नहीं कर सकते दूसरों पे. जैसे मेरी इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो मैं ही पे करूंगी, मैं दूसरे बंदे से नहीं ले सकती. जैसे जीएसटी कस्टमर से लिया जाता है ना, वैसे डायरेक्ट टैक्स नहीं हम किसी और से ले सकते, वो हमें ही उसका बर्डन झेलना पड़ता है. क्लियर? जैसे हमारे बैंक में जितना मनी है तो वो उसका जो टैक्स आएगा वो हमसे ही वो होगा ना.
देखो डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका हम बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते, जैसे इनकम टैक्स हो गया। इनकम टैक्स हम किस पे पे करते हैं, हमने जो क्या कहते हैं साल में इनकम कमाई उस पे, उसका हम किसी से ले नहीं सकते। अब मैं जैसे मैंने आपको बताया था एग्जांपल, रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जा रहे हो तो जीएसटी आपसे लिया जाता है ना, वो है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यस मैम। ओके। तो क्वेश्चन थर्ड इज, द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स फॉर द गवर्नमेंट इज नॉट। ठीक है, इसमें बोला है कि जो गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मेजर सोर्स इन इन ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए इज टैक्स रेवेन्यू, ऑप्शन बी इज इनकम टैक्स, ऑप्शन सी इज वेल्थ टैक्स एंड ऑप्शन डी इज प्रॉफिट। एक बार क्वेश्चन समझ लो, चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन आपको बताना है जो रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं होगा गवर्नमेंट के लिए। मैम प्रॉफिट। या गुड, राइट आंसर इज प्रॉफिट, क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटीज क्या करते हैं, नहीं क्रिएट करते हैं और ना ही गवर्नमेंट के लिए असेट्स को रिड्यूस करते हैं। तो गवर्नमेंट को जितनी भी टैक्स से पेमेंट आ रही है, टैक्स और नॉन टैक्स से, वो किसके अंदर कोटेड होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर। क्लियर है टॉपिक? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन फोर्थ इज, द पॉलिसीज यूजफुल टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम आर द, ऐसी कौन सी पॉलिसीज हैं जो क्या करती हैं, बेसिकली रिड्यूस करती हैं हमारी इनकम में इनइक्वालिटीज को। फर्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसीज, बी इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज, सी इज बजटरी पॉलिसीज एंड डी इज फॉरेन पॉलिसीज। एक बार क्वेश्चन समझ लो कि कौन सी गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिससे इनइक्वेलिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ कम होता है। तो थोड़ा ध्यान रखो, हमने गवर्नमेंट बजट पढ़ा था, पर्पस पढ़ा था, तो इस हिसाब से आंसर देना। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन विच ऑप्शन ऑप्शन? बी। देखो ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, क्योंकि देखो हमने बजट पढ़ा, बजट में जब हमने पर्पस पढ़ा था तो क्या करता है गवर्नमेंट बजट, रिड्यूसेस द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो गवर्नमेंट बजट की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं वो सब क्या करती हैं, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ को क्या करती हैं, कम करती है। जैसे आपको पता है गवर्नमेंट बजट जब प्रेजेंट होता है हमारे महीने के 28 फरवरी को, 28 फरवरी को गवर्नमेंट बजट जब प्रेजेंट होता है हमारे कंट्री में, तो उसमें बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो गई, पीएमएसएस हो गया, और बहुत सारी पॉलिसीज होती है, जैसे आपकी स्टडीज को लेकर भी बहुत सारी स्कॉलरशिप लाई जाती है, स्टडी को लेकर भी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स लाई जाती हैं। तो ये सब क्या करती हैं, इनइक्वलिटीज को कम करती हैं। तो अब आपको समझ आया कि बजटरी पॉलिसीज ही क्यों इसका आंसर हुआ। यस मैम। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन फिफ्थ इज, बजटरी पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय दी, बजटरी पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड बाय दी, ए ऑप्शन इज फॉरेन सेक्टर, बी ऑप्शन इज फाइनेंस मिनिस्ट्री, सी ऑप्शन इज गवर्नमेंट एंड डी ऑप्शन इज प्राइवेट सेक्टर। इसका कहने का मतलब है क्वेश्चन का कि बजटरी पॉलिसीज कौन इंप्लीमेंट करता है, आंसर प्लीज। मैम गवर्नमेंट। या एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, सी गवर्नमेंट ही क्या करती है, बजटरी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती है, क्योंकि हमारी कंट्री में बजट कौन प्रेजेंट करती है, हमारी गवर्नमेंट करती है प्रेजेंट। और पॉलिसीज में बहुत सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत सारी चीजें होती हैं जो इनइक्वालिटीज को भी कम करती है, हमारी इनकम वेल्थ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कैसे कंट्रोल करना, ये सब बताया जाता है पॉलिसीज में। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट इज द कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती हैं। ऑप्शन ए इज क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द प्राइवेट सेक्टर, क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द प्राइवेट सेक्टर, डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, आंसर प्लीज। मैम आंसर। मैम आंसर आई देखो थिंक मैं डी है। आपको हिंट दे दूं, एक बार मैंने आपको रेवेन्यू रिसिप्ट की क्या डेफिनेशन बताई थी, आप मुझे वो बता सकते हो। हेलो मैम। रेवेन्यू रिसिप्ट की क्या डेफिनेशन बताई थी, उसी से आप आंसर निकालना, अपोजिट करना है बस आपको रेवेन्यू रिसिप्ट का। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, रुक रुक के आ रही है। एम आई ऑडिबल नाउ? या मैम।
या मैं आपको यही बोल रही हूँ कि मैंने आपको रेवेन्यू रिसिप्ट्स का क्या बताया था डेफिनेशन, उसका अपोजिट करना है। मैम रेवेन्यू आंसर डी रिसिप्ट्स है। ओके, आपके आपके हिसाब से आंसर डी है। यस मैम। या योर आंसर इज सॉरी योर आंसर इज इनकरेक्ट, बिकॉज इसका आंसर है कैपिटल रिसिप्ट्स गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करती है। अब मैं बताती हूँ कैसे इसका आंसर ये क्यों हुआ। देखो जब रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी, रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट के लिए ना तो लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं और ना ही एसेट्स को कम करते हैं। आपको अपोजिट करना है, कैपिटल रिसिप्ट क्या हुए, गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल बताती हूँ इसका, गवर्नमेंट ने आरबीआई से बोरोविंग्स करी, अभी के लिए तो पैसा आ गया लेकिन आरबीआई फ्री में पैसा नहीं देता किसी को भी, उसको विद इन एक टाइम लिमिट के अंदर रिटर्न करना होता है, तो गवर्नमेंट के लिए वो लाइबिलिटी बन गई कि फ्यूचर में उस बोरोविंग्स को रीपे करना है। क्लियर है आपको कि ये ऑप्शन इसका आंसर क्यों हुआ। यस मैम। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सी इज अ कैपिटल रिसिप्ट एंड डी इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है मैं आपको, चलो पहले आप बताओ आपका क्या आंसर होगा उसके बाद देखते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब समझा देती हूँ। डिसइन्वेस्टमेंट मींस जब गवर्नमेंट क्या करती है अपने शेयर्स को क्या करती है, अपनी असेट्स को सेल करती है, तो उससे जो पैसा आता है वो होता है डिसइन्वेस्टमेंट। अब मैंने इतना हिंट दे दिया, अब आप इसमें मुझे बताओ आंसर क्या रहेगा। मैम कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा देखो नवनीत, अब थोड़ा ध्यान से मेरी ना चीज को सुनो, गवर्नमेंट क्या करती है अपनी असेट्स को बेच रही है, जो उससे पैसा आएगा वो है डिसइन्वेस्टमेंट। सो यहाँ खर्चा तो कुछ नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए और बी तो हट गए, अब ऑप्शन सी एंड डी में क्या है ये बता दो। मैम ऑप्शन सी है। या गुड, द आंसर इज कैपिटल रिसिप्ट्स, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट क्या करती है बेसिकली, जब मैंने आपको कैपिटल रिसिप्ट की डेफिनेशन बताई, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है और असेट्स कम कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट असेट्स सेल कर देती है तो उनके असेट्स कम हो गई, इसलिए इसका आंसर क्या है आपका, कैपिटल रिसिप्ट्स। क्लियर है आपको टॉपिक। यस मैम। अब थोड़ा हम शॉर्ट पर्पस से चीजें पढ़ लेते हैं, एग्जाम्स में आपके काम आती है, एमसीक्यूज नहीं है बट थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज बजट, बजट क्या होता है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे अपनी नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोल दो, कोई इश्यू नहीं है अगर आप बुक की डेफिनेशन में ना भी बोलो। मैम जो गवर्नमेंट पूरे हमेशा गवर्नमेंट पूरे इंडिया का जो एक बजट निकल के आता है वो देती है गवर्नमेंट क्या कर, हाँ गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है बजट, तो इस बजट में क्या क्या आइटम्स होते हैं, थोड़ा बहुत हिंट दे सकते हो मेरे को क्या क्या गवर्नमेंट लगाती है। मैम उनके बहुत सारे होते हैं। मैम उनके खर्चे ये सब कैसे वो होंगे, हाँ, क्या बनेगा वगैरह। या एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट का स्टेटमेंट होता है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट हमेशा फ्यूचर के लिए हम बनाते हैं, तो गवर्नमेंट अपने रिसिप्ट एक्सपेंडिचर का एनालिसिस करती है, ठीक है, किसके बेस पे करती है, पास्ट बजट के बेस पे, और फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। क्लियर है, हैव यू क्लियर इट नवनीत। यस मैम। या एंड अब क्वेश्चन 9 देखो एक बार, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस एमसीक्यूज पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कौन कौन से दो टाइप्स ऑफ टैक्सेस हमने पढ़े गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी चैप्टर में। मैम जीएसटी। हाँ तो जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है। हेलो। यस मैम। या सॉरी, जीएसटी ना डायरेक्ट टैक्स नहीं है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। मैंने आपको जब डेफिनेशन बताया था, हम होटल में खाना खाने जाते हैं तो उस पर जीएसटी हमसे लिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन कंज्यूमर से लिया जा रहा हो, डायरेक्ट टैक्स जिसका बर्डन जो पर्सन है वो खुद बियर कर रहा है। इसलिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स जिसका एग्जांपल है इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका बर्डन हमें ही बियर करना पड़ता है, हम शिफ्ट नहीं कर सकते बर्डन। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट टैक्स, उसका एग्जाम्पल है जीएसटी जिसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं, हम दूसरे से पैसे लेकर के गवर्नमेंट को पे कर सकते हैं, जैसे होटल्स वाले होते हैं, रेस्टोरेंट्स वाले करते हैं,
कंज्यूमर जो खाना खाने आते हैं उनसे ही जीएसटी लिया जाता है, लेकिन पे कौन करते हैं? होटल के ओनर्स। ठीक है, ओके मैम। ओके, व्हाट आर द मेन आइटम्स ऑफ कैपिटल रिसिप्ट? इस क्वेश्चन का मतलब है कि कैपिटल रिसिप्ट के एग्जाम्पल्स बता दो, दो कोई एग्जाम्पल बता दो कैपिटल रिसिप्ट के। कोई आइडिया? अभी हमने एक पढ़ा है, हमने एक एमसीक्यू में एग्जाम्पल भी पढ़ा है। हमें याद नहीं आ रहा वो। देखो हमने डिसइन्वेस्टमेंट अभी पढ़ा था, तो डिसइन्वेस्टमेंट किसका एग्जाम्पल है? कैपिटल रिसिप्ट का। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो भी बोरोविंग्स कर रही है, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई से गवर्नमेंट ने बोरोविंग्स करी, तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। एक बार क्लियर कर देती हूँ वापस से, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है। कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है जो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटीज क्रिएट करती है, साथ ही साथ एसेट्स को रिड्यूस करती है। गवर्नमेंट ने बोरोविंग्स ली, गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटीज क्रिएट हुई, क्योंकि विद इन 4 या 5 years के अंदर गवर्नमेंट को आरबीआई को वो पैसा वापस रीपे करना है। गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करी, उससे उसकी एसेट्स कम हुई, इसलिए एग्जाम्पल हमने कैपिटल रिसिप्ट में कोट किए। क्लियर है? यस मैम। ओके, व्हाट आर द 4 concepts ऑफ डेफिसिट्स? हमने हमारे गवर्नमेंट बजट इन इकोनॉमी चैप्टर में डेफिसिट्स के 4 concepts पढ़े थे, सिर्फ उनके नेम क्या थे वो बता दो। एनी आइडिया? हमने 4 deficits पढ़े थे कल, हमने प्रैक्टिकल भी उसका सॉल्व किया था एज वेल एज हमने उसका थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर किया है। मैम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नो, देखो हमने आपने टॉपिक तो इसी का ही रिलेटेड बोला है, बट डेफिसिट के अंदर नहीं आएगा वो। देखो डेफिसिट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में 4 concepts थे। फर्स्ट इज द बजट डेफिसिट, सेकंड इज द रेवेन्यू डेफिसिट, थर्ड इज द फिस्कल डेफिसिट एंड फोर्थ इज द प्राइमरी डेफिसिट। एक बार मैं 4 के बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू कर देती हूँ ताकि आपको रिकॉल हो जाए। देखो बजट डेफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है टोटल रिसिप्ट से, वो है हमारा टोटल बजट डेफिसिट। अब आता है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स सिर्फ जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रेवेन्यू रिसिप्ट से। इसमें सिर्फ रेवेन्यू वाला पार्ट आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेस होगा रेवेन्यू रिसिप्ट से। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट बेसिकली लेमन लैंग्वेज में बोले तो ये बताता है गवर्नमेंट की टोटल एस्टिमेटेड बोरोविंग्स, कि गवर्नमेंट को अब कितना उधार लेने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे इसका हम फॉर्मूला देखें तो फिस्कल डेफिसिट बेसिकली जब टोटल एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा होता है टोटल किससे? रिसिप्ट से, बट रिसिप्ट के अंदर हम बोरोविंग्स को नहीं इंक्लूड करते हैं। सारी चीजें इंक्लूड करेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट भी आएगी, कैपिटल रिसिप्ट भी आएगी, बट कैपिटल रिसिप्ट का एक पार्ट होता है बोरोविंग्स, वो नहीं आएगा फिस्कल डेफिसिट के अंदर, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट क्या खुद बताता है? बोरोविंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज द प्राइमरी डेफिसिट। डेफिसिट हमें क्या डिपिक्ट करता है? डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, कि इंटरेस्ट को छोड़ करके जो गवर्नमेंट ने पैसा उधार में लिया है वो कितने एक्सपेंसेस को मीट करता है, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। अब क्लियर है आपको? यस। हैव यू क्लियर इट नवनी? यस। ओके, अब हम नेक्स्ट लेते हैं इसके अंदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 examples ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के 2 examples, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब आपका है कैपिटल एक्सपेंडिचर के 2 example दे दो। एनी आइडिया? जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा तो क्या एग्जाम्पल हमने कोट किए थे? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो बेसिकली हमारी असेट्स को क्या करता है? क्रिएट करता है, साथ ही साथ लाइबिलिटीज को भी रिड्यूस करता है, वो होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इस हिंट से थोड़ा सोच के देखो, एग्जाम्पल माइंड में आ जाए कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है जो असेट करता है। इंटरेस्ट पेमेंट। देखो इंटरेस्ट पेमेंट तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आप एग्जांपल दे रहे हो, ऐसा एग्जांपल कोट करो, ऐसा एग्जांपल बनाओ जो असेट्स क्रिएट करता हो हमारी इकोनॉमी के अंदर। एनी आइडिया? नो मैम।
देखो मैं बताती हूँ, गवर्नमेंट अगर स्कूल की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रही है तो उससे बिल्डिंग एक असेट से असेट्स बन रही है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन क्या बोलती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन हमसे ये बोलती है कि ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट के लिए क्या करता है, असेट्स क्रिएट करता है, साथ ही साथ लाइबिलिटीज को रिड्यूस कर रहा है। तो देखो हमने खर्चा किया, किस पे खर्चा किया हमारी, बेसिकली गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन किया स्कूल बिल्डिंग का, तो असेट्स क्रिएट हुई। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, रेलवेज में, रोड्स में, ब्रिजेस में खर्चे किए, तो ये सब क्या है, एक तरह से असेट्स क्रिएशन है। सो दीज आर द एग्जांपल्स कोटेड अंडर डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है? गवर्नमेंट कोई भी डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करती है कंट्री के अंदर, जैसे रोड्स बनवा रही है, रेलवे में खर्चा कर रही है, ब्रिजेस बनवा रही है, ठीक है? तो ये सब हमारे पार्ट होते हैं किसके अंदर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। क्लियर है आपको? यस मैम। देखो अब हमने सरप्लस बजट के बारे में नहीं पढ़ा, मैं आपको बता देती कि व्हाट इज सरप्लस बजट। देखो जिस तरह से डेफिसिट बजट होता है वो क्या होता है, जब खर्चा ज्यादा होगा किससे, रेवेन्यू से, वो है हमारा डेफिसिट बजट। सरप्लस अपोजिट होता है, व्हेन रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इज ग्रेटर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट को जो भी अर्निंग्स होती है पीपल से, टैक्स के फॉर्म में, नॉन टैक्स के फॉर्म में, जब वो ज्यादा होता है गवर्नमेंट के खर्चे से, तो वो कहलाता है सरप्लस बजट। क्लियर है आपको? यस मैम। ओके, नेक्स्ट इज द, अब नेक्स्ट वाला आप बताना, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दो एग्जांपल्स कोट करने हैं हमने यहाँ पर। मैम मैम इंटरेस्ट पेमेंट। दिस इज करेक्ट, इंटरेस्ट पेमेंट। एक और बता दो एग्जांपल इसका। मैम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरी पे करना। हाँ ये भी हो सकता है। साथ ही साथ देखो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, गवर्नमेंट डिफेंस yes, में, डिफेंस मतलब होता है, डिफेंस का मतलब जैसे आर्मी पे लोग। हाँ मैम वही ना, मतलब कि मैम जो उनके आर्मी ये सब है उनको जो हम मनी प्रोवाइड कर रहे हैं वो। ये सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, या फिर हम इसको शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट एक टर्म में बोले नॉन डेवलपमेंटल, क्योंकि इससे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है तो कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही तो कोई कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, गवर्नमेंट सिर्फ एक सेक्टर पे खर्चा कर रही है वो भी है डिफेंस, डिफेंस पे करने से पूरी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट इज द, व्हाट आर द, आपको क्लियर है यहाँ तक टॉपिक? Yes, ma'am. Okay. Next is the, what are the two types of revenue receipts? Revenue receipts के दो type बता दो। हमने पढ़े थे revenue receipts के example, तो example ही इसके अंदर आएंगे। Example के अंदर जो main headings थी ना वो बताओ। What are the two types of revenue receipts? Any idea? कोई आइडिया नहीं आपको? नो मैम। देखो हमने जब रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा था, हमने इसके अंदर एक पॉइंट पढ़ा था हेडिंग का टैक्स रिसिप्ट। एक होता है गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरीके से आती है, टैक्स और नॉन टैक्स। तो इसके अंदर ये कोटेड होगा, एक होगा टैक्स रिसिप्ट होती है, एक होती है नॉन टैक्स। टैक्स के अंदर एग्जाम्पल आते हैं वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये सब क्या है आपके टैक्स रिसिप्ट है। नॉन टैक्स के अंदर आपके आगे बेसिकली जैसे अपने फीस पे करी, फाइंस, पेनल्टीज हो गई, ये सब हमारी क्या आती है, बेसिकली किसके अंदर आती है, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के अंदर आती है। गवर्नमेंट को एड मिली दूसरी कंट्री से, ठीक है, गवर्नमेंट को फाइंस मिले, कुछ फीस फाइंस जैसे आप देते, चलान कटता है हमारा, अगर हमने कोई भी ट्रैफिक रूल्स का हमने कोई भी क्या किया, उल्लंघन किया होता है तो हमें कुछ ना कुछ चालान देना पड़ता है, तो वो फीस फाइन्स के अंदर आता है। आजकल तो मास्क नहीं लगाते उसकी भी गवर्नमेंट चालान काट देती है, तो वो सब किसके अंदर आएंगे, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन जो हमारी एक्साइज ड्यूटीज होती है, कस्टम ड्यूटी हो गई, कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, वो होगा टैक्स रिसिप्ट। तो आपको क्लियर इसके दो टाइप्स, टैक्स रिसिप्ट एंड द नॉन टैक्स रिसिप्ट, क्लियर है? यस मैम। ओके, अब देखो इसके अंदर, जस्ट वेट अ सेकेंड, इसके अंदर देखो हमने जो पढ़ा है अभी तक, हमने सारी चीजें पढ़ी एमसीक्यू 11 से। आपके जैसे भी सीबीएसई बोर्ड में तो शायद आपका चोरी वाला पार्ट तो हटा ही दिया है। यस मैम। ओके,
हमने एमसीक्यू कवर कर लिया है और शॉर्ट क्वेश्चंस कवर कर लिए, तो आपके लिए मुझे लगता है चैप्टर के लिए सॉल्विंग पार्ट के लिए प्रैक्टिकल पार्ट से इतना सफिशिएंट है, ठीक है? यस मैम। ओके, आपको आज के टॉपिक्स क्लियर हुए और आपको हेल्पफुल लगा है जो मैंने आपको क्विज शेयर किया, थोड़े बहुत क्वेश्चंस रिलेटेड ये सब शेयर किए? यस मैम। ओके, सो क्या आज की हम क्लास यही ओवर करते हैं? किसी चीज में, कोई टॉपिक में आपको इस चैप्टर में कोई डाउट? नो मैम। ओके चलो ठीक है, हम आपका कल एग्जाम है? हाँ मैम कल है। ओके ओके ठीक है, फिर हम टाइम एक बार आपसे एक बार एडजस्ट कर लेंगे, मैं सर से पूछ के एक बार टाइम ग्रुप पे। मैम वही 4 o'clock को मैम, वरना 4:30 को, 4:15 4:15 पे क्लास लेनी बोल रहे ना आप? यस मैम। मैम क्योंकि मैम 4 o'clock को मैम मेरा वो खत्म होता है ना, तो फिर वो पेपर भी सेंड करना रहता है, तो फिर उसके लिए ठीक है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है ओके ओके नो प्रॉब्लम, हम कल वो क्लास में एक बार, क्लास में मैं ग्रुप पे टाइम भेज दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। ओके मैम, बाय मैम। बाय बाय।